फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी वीडियो फुल। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो कमेंट सेक्शन है। जब से मैंने चैनल बनाया है तब से जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया है, आज मैं उनके रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो में आगे। दोस्तों, आज से 4 मंथ पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे वीडियो बनाने का शौक़ तो बहुत पहले से था, बट फिर पहले मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाती थी, बिकॉज़ वो बंद हो गया, तो मुझे लगा कि चलो मुझे यूट्यूब की ओर रुख कर लेना चाहिए। मैं यूट्यूब पर आ गई, और अब मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो चुका है, 4 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 4 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मेरी ऑडियंस से। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सपोर्ट मी, लविंग मी। आज स्टार्ट करते हैं कमेंट सेक्शन। तो जब मैंने 4 मंथ पहले वीडियो डाली थी, एक जो थी सोलन टू बिलासपुर, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो उसका जो टोटल व्यूज़ है वो 700 समथिंग 800 क्रॉस कर चुका है। वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी जो मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम डाली थी। अब मैं पढ़ने वाली हूँ कमेंट, तो स्टार्ट करते हैं कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं कमेंट सेक्शन। जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी सोलन टू बिलासपुर, तो उसमें जो सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था, वो कमेंट था सिरमौर वाला, उन्होंने मुझे कमेंट किया था नाइस। थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया। और नेक्स्ट जो कमेंट है, अब मैं उस पर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया था पलक शर्मा ने, उन्होंने लिखा था नाइस दी। थैंक यू सो मच पलक फॉर कमेंटिंग। जो थर्ड जो मेरा कमेंट है वो अगेन पलक का है, तो उन्होंने मुझे सोलन वाली वीडियो पे कमेंट किया था, मॉल रोड सोलन, उन्होंने लिखा था वाव। थैंक यू सो मच। और जो फोर्थ मेरा कमेंट है वो है भारती शर्मा, इन्होंने लिखा था मुझे नाइस दी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें लिखा था ऑसम, नाइस दी, कीप इट अप, थम्स जो है मुझे भेजा था। थैंक यू कमेंट की ओर मैं बढ़ना चाहूँगी, जो कि है मुझे रीना ठाकुर ने, वो लिखते हैं ब्यूटीफुल। थैंक यू। अब अगला जो कमेंट है वो पढ़ना चाहूँगी मैं, मनजीत, वो लिखते हैं नाइस वीडियो दी, थैंक यू सो मच। उषा सिमर जो लिखने वाले हैं हैप्पी बर्थडे डियर, क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैंने वो जो ब्लॉग अपलोड किया था तो उसमें इन्होंने कमेंट किया था हैप्पी बर्थडे डियर, थैंक यू सो मच। अगला मैं कमेंट लेना चाहूँगी रीता शर्मा, ये अगेन मेरे पापा का बर्थडे था, तो उस टाइम भी उन्होंने कमेंट किया था, इसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। और सर्वजिंदर पुण्य ये लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, ऑसम, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो ये लिखते हैं नाइस घर बैठे शिमला देख लिया, आइसक्रीम भी खा ली, थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। जो कमेंट किया है मुझे देविंदर ठाकुर ने, ये लिखते हैं रीमा जी आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, और आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि आप हिमाचल ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हो, सो बेस्ट विशेज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच देविंदर जी आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। तो आप मेरी वीडियो में ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाली हूँ। अगला कमेंट आता है ललिता देवी, ये लिखते हैं वाओ ब्यूटीफुल। और तो आगे की कमेंट की ओर बढ़ते हैं, ये मुझे लिखते हैं भूमिक बले, ये लिखते हैं वेरी नाइस ब्लॉग, कीप इट अप। थैंक यू सो मच भूमिक, ये मेरे भैया का बेटा है जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करता है, सो थैंक यू सो मच भूमिक। अगला जो कमेंट है वो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ, ये लिखते हैं ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। ये अगले कमेंट की ओर चलते हैं, ये लिखते हैं सूर साजन जी, ये लिखते हैं अमेजिंग सुपर वर्ड में मानव भारती देश का नाम ऊँचा करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मानव भारती है वहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और वो जो है 151 फिट की है, बहुत बड़ी मूर्ति है, तो इसकी वजह से जो इसमें ये कमेंट करे कि ये बहुत ज़्यादा नाम ऊँचा करेगा। आगे चलते हैं, लिखते हैं देविंदर ठाकुर लिखते हैं नाइस पिक्चर व्यू बोन हेरिटेज पार्क, थैंक यू सो मच देवेंदर, वाव नाइस वीडियो रीमा, तनु, थैंक यू सो मच तनु। आगे अब चलते अगला जो कमेंट है वो लखवीर बरार सर ने किया है, वो लिखते हैं सैल्यूट है मैम आपकी ड्यूरिंग कोविड ड्यूटी टाइम, वेरी हार्ड जॉब। जी सर, वेरी हार्ड जॉब तो है, बट क्या करें, अब हमारा प्रोफेशन है तो हमें करना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट, आपने मुझे कमेंट किया,
तो मैं अगला जो कमेंट है वो पढ़ना चाहूँगी। नाइस ब्लॉग कीप इट अप। ये अगेन जो ट्रैवलर एक्सप्लो नेचर है उन्होंने किया है। सो अगला, चलिए दोस्तों अगले कमेंट की ओर चलते हैं। ये कमेंट मुझे किया है नॉलेज अनलिमिटेड। ये लिखते हैं, आजकल के डॉक्टर काफ़ी गलत बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ। सो नॉलेज अनलिमिटेड जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे ये थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कई बार, उनको पेशेंट ही ऐसे इरिटेटिंग मिलते हैं। सो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, थोड़ा बहुत समझने के बाद ये सबके साथ होता है। सो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि सब ऐसे नहीं होते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कमेंट किया। अगला जो कमेंट मैं लेना चाहूँगी वो है विपिन नेगी। ये लिखते हैं, मैम आपके हॉस्पिटल में ऑल फैसिलिटीज है जितने IGMC शिमला में है उतनी। सो विपिन जी, ये तो मैं नहीं कह सकती कि IGMC शिमला में कितनी फैसिलिटीज़ हैं। सो जो हमारा हॉस्पिटल है MMU, सो वहाँ पे तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी, इलाज भी बहुत अच्छा है और बहुत पुअर जो है इलाज है यहाँ का। आपको जो ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये सब कुछ लिमिटेड में है, तो यहाँ आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। सो आप कभी भी आ सकते हो, आप इलाज करा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। सो अगले कमेंट की ओर मैं फिर से अगेन जाना चाहती हूँ। देवेंद्र ठाकुर ये लिखते हैं, नाइस, थैंक यू देवेंद्र जी। और अगला कमेंट है विपिन ने की अगेन, ये लिखते हैं, आपके हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट होता है जी? हाँ विपिन जी, हमारे हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट होता है। हमारे हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट है, आप जो भी ट्रीटमेंट कराना चाहो तो आप आ सकते हो इजीली। यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ अवेलेबल है। सो अगला जो कमेंट है ये लिखते हैं राधे ब्लॉग्स, ये लिखते हैं, वाव ऑसम। सो थैंक यू सो मच राधे ब्लॉग जी। अगेन राधे ब्लॉग जी का कमेंट है, ये लिखते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग है मैम। सो थैंक यू सो मच राधे जी कि आपने मुझे कमेंट किया। जो अगला कमेंट है ये मुझे अगेन विपिन नेगी जी जो लिखते विपिन हैं। नेगी जी है हैं ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में, तो इन्होंने मुझे कमेंट किया है। फर्स्ट ये लिखते हैं, आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? हाँ जी हो जाता है हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, तो आप कभी भी आ सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का ही यही लिखते हैं, ये मुझे लिखते हैं, और एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, प्लीज़ रिप्लाई करना। हाँ जी बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। विपिन नेगी जी फिर लिखते हैं, मैम आपकी ये लिखते हैं, मैम आँखों की ड्राइनेस का लेज़र ट्रीटमेंट होता है जी, और न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। सो विपिन जी, आँखों का ट्रीटमेंट हो जाता है, आप एक बार आके पता कर लीजिए। और दूसरा जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, सो आप आइए और ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छे डॉक्टर्स हैं, सो अच्छा इलाज भी होता है। सो अगला जो कमेंट ये लिखते हैं विपिन नेगी जी, न्यूरोलॉजिस्ट है आई के, हाँ जी आई की भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। सो विपिन नेगी जी आगे लिखते हैं, व्लॉग विद रीमा, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच विपिन जी। और विपिन नेगी जी लिखते हैं, जब आप टाइम मिले तो सब OPD के ब्लॉग बनाना जी प्लीज़। जी विपिन जी ज़रूर मैं सब OPDs के ब्लॉग बनाऊंगी। सो सो दोस्तों आज का फिर कमेंट सेक्शन हो चुका है ख़त्म, तो आपका इतना लव और सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत है। सो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। सो अगले जो वीडियो है जो वो मुझे विपिन नेगी जी ने कहा है कि आप मैम सारे OPDs की वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए OPDs की वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो MMU से रिलेटेड, सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप आना चाहते हो MMU, तो मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं आपकी ज़रूर करूँगी, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी जितना भी मेरे से हो सके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर लव एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो भी मैं स्टार्ट करूँगी कि बहुत जल्द देख के आऊँ, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए आप कैसा ब्लॉग चाहते हैं। सो थैंक यू सो तो मच। दोस्तों जल्दी से जाइए मेरे चैनल में, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो मेरे चैनल की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।